दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सड़क से लुढ़ककर खड्ड में जा गिरी कार, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर जख्मी। चलती कार पर गिरा पत्थर, बेटे की मौत, पिता समेत एक अन्य सवार घायल। दुकान के बाहर अज्ञात प्रवासी का शव, मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। फिर लौटी कोरोना की सख्तियां, बाजारों के निरीक्षण को निकली पुलिस टीमें। और अब खबरें विस्तार से। जिला शिमला में नेरवा से 3 किलोमीटर दूर कलारा में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रात के समय हुआ, जबकि इसका पता सुबह तब चला जब किसी व्यक्ति ने एक कार को शालवी खड्ड के किनारे देखा। उस व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस और स्थानीय लोगों को दी। जब लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो एक युवक दम तोड़ चुका था तथा दूसरा घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। लोग दोनों को नेरवा अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने एक युवक को मृत करार दे दिया तथा दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद IGMC रेफर कर दिया है। नायब तहसीलदार विनय शर्मा ने मृतक के परिजनों तथा घायल को 10-10 हजार रुपए फौरी राहत के रूप में प्रदान किए हैं। पठानकोट NH पर शुक्रवार को कार पर पत्थर गिरने से बेटे की मौत हो गई, जबकि बाप और इसमें सवार एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में कुल 3 लोग सवार थे। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल डलहौजी में भर्ती करवाया गया है, जहां घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सवेरे नूरपुर से बनीखेत की ओर आ रही कार पर अलेड़ के समीप अचानक पहाड़ी से लुढ़ककर पत्थर आ गिरा, परिणाम स्वरूप कार में सवार सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार सौरभ के पिता मनोहर लाल व कार में सवार एक और आदमी सुनील कुमार घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। आज सुबह पुलिस चौकी बनीखेत में सूचना प्राप्त हुई थी कि नैनीखट और पंचकुला के पास एक वाहन जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें ऊपर की पहाड़ी से एक पत्थर जो उस अल्टो कार पे गिरा है, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। इसमें एक व्यक्ति की जो मौके पे ही मृत्यु हो गई है, 31 ईयर्स के आसपास व्यक्ति की एज है, और बाकी जो है वो पनीखेत हॉस्पिटलाइज हैं, जो कि ठीक है। पुलिस जो है वो केस दर्ज करके जो आगे की कार्रवाई जो कर रही है। सर, खराब मौसम में ड्राइविंग काफी रिस्की रहती है जिला चंबा की सड़कों पर, तो ऐसे में लोगों को क्या संदेश रहेगा सर पुलिस की ओर से? पुलिस जब से बारिश और फोरकास्ट इस तरह का प्रेडिक्ट हुआ और अपर एरियाज में जो स्नोफॉल हुआ, और ऐसे चंबा जिला में ऐसे बहुत सारे रोड्स और अपर एरियाज हैं जहाँ पे लोगों की मूवमेंट रहती है, जैसे जोत रोड है या दूसरे रोड हैं, उनमें पुलिस ने जो पहले एडवाइजरी जारी की थी और फेसबुक और बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, पुलिस ने उसमें भी शेयर किया है कि लोग जो है वो इस तरह के रास्तों में ट्रैवलिंग जो है वो अवॉइड करें, स्पेशली नाइट में। खजियार रोड पे इस तरह के इंसिडेंट पहले होते थे, लेकिन PWD विभाग द्वारा जो है वो उस रास्ते को थ्रू किया गया। पुलिस जो है वो अगर जब भी ऐसा स्नोफॉल या ऐसा स्किडी हो जाए तो पुलिस जो है वो नाकाबंदी करके लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन हमारी लोगों से यही अपील है कि इस तरह के ट्रैवलिंग जो है वो अवॉइड करें, और पुलिस जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो वो अवेयर कर रही है कि इस तरह के ट्रैवलिंग प्लान ना करें। थैंक यू सर। सदर थाना ऊना के तहत बाबा रुद्रानंद आश्रम में बाहर बाजार में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। प्रथम दृश्य में व्यक्ति प्रवासी प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जहां पहचान शुरू कर दी है, वहीं पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह बाबा रुद्रानंद आश्रम के बाहर स्थित दुकान के बाहर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था। स्थानीय प्रधान राम कुमार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों व लोगों से मृतक के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। SP ऊना अर्जित सेन ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान तेज कर दी है।
जिला चंबा में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से सामने आने के बाद सार्वजनिक स्थानों व बाजारों इत्यादि में कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस अमला पूरी तरह अलर्ट हो गया है। इसी के तहत गुरुवार शाम को पुलिस थाना डलहौजी के प्रभारी SHO अनिल कुमार ने पुलिस दल के साथ डलहौजी के गांधी चौक, माल रोड मार्केट व अन्य क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान SHO अनिल शर्मा ने पर्यटकों व स्थानीय दुकानदारों व अन्य लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है, ऐसे में हमें हर सूरत में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी और सभी दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की नीति अपनाएं और अन्य लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करें।